डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास अगेन। दिस इज सारिका एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल एक्टिविटीज। बेसिकली सोशल एक्टिविटीज आर मेंट फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये जो शब्द है सोशलाइजेशन, पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। इसमें बच्चों को सोशल ट्रेनिंग दी जाती है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे इन नॉर्म्स को फॉलो करना है, कैसे इन रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना है और इनके अकॉर्डिंग बिहेव कैसे करना है। एंड द चाइल्ड इज ग्रेजुअली मोल्डेड इन सोसाइटी इनटू अ सोशल बीइंग। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियों को सीखता है। समाजीकरण से ही वह अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी सीखता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन तो फैमिली में ही हो जाती है, जब बच्चों को लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज सिखाई जाती हैं। घर के बाद स्कूल का भी एक अपना ही महत्व है सोशलाइजेशन करने में। बहुत सारी प्रकार की एक्टिविटीज जो स्कूल में करवाई जाती हैं जिससे बच्चों की सोशलाइजेशन होती है, जैसे फर्स्ट एड है, रेड क्रॉस है, विलेज अपलिफ्टमेंट है, कम्युनिटी कुकिंग एंड डाइनिंग है, मॉर्निंग असेंबली है, NSS है। ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों को सोशलाइज करती हैं, मींस दे हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मॉर्निंग असेंबली और NSS तक ही सीमित रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग असेंबली। इट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द स्कूल टू स्टार्ट विद। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू बिगिन डे वर्क इन द स्कूल। सबसे पहले की जाने वाली क्रिया को ही हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स असेंबल इन द बिगनिंग ऑफ द स्कूल डे एट वन प्लेस वेयर प्रेयर्स आर हेल्ड, इंस्ट्रक्शंस आर इशूड, अनाउंसमेंट्स आर मेड एंड स्पीचेस आर डिलीवर्ड। इससे स्कूल में एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हम मॉर्निंग असेंबली में करते हैं, यानी कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मॉर्निंग असेंबली। सबसे पहले तो स्कूल प्रेयर की जाती है, उसके बाद कोई ब्रीफ इथिकल स्पीच कोई स्टूडेंट या टीचर करता है, कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं, न्यूज़ बोली जाती हैं, फिर बच्चों को एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, मास ड्रिल, पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म चेक की जाती है और उनकी अटेंडेंस या रोल कॉल भी ली जाती है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं टाइम टेबल में तो वो भी बताए जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसके हम मॉर्निंग असेंबली में करते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं मॉर्निंग असेंबली की, इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं। पहली बात यही है कि स्कूल असेंबली जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू असेंबल टुगेदर। हम सब इकट्ठे खड़े होते हैं जिससे सब में एक समानता का भाव आता है, एक फीलिंग आती है, वननेस की फीलिंग आती है। प्रेयर करने से और डिवोशनल सॉन्ग गाने से बच्चों में अच्छे आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। दे गेट ट्रेनिंग इन डिवोशन टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ उनका जो रुझान बढ़ जाता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, दे गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जब वो प्रेयर को लीड करते हैं या कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं या न्यूज़ आइटम्स बोलते हैं या कहीं भी प्रेयर में आगे खड़े होते हैं तो वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है। मॉर्निंग असेंबली को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गिव रिकॉग्निशन टू द स्टूडेंट्स हु एक्सेल इन करिकुलर एंड को करिकुलर फील्ड्स। उससे बच्चों को मज़ा भी आता है और बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। कई बार मॉर्निंग असेंबली को हम यूटिलाइज करते हैं नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में या नेशनल डे सेलिब्रेट करने में। छोटे छोटे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं मॉर्निंग असेंबली में भी, जिससे बच्चे बहुत फ्रेश फील करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग असेंबली का एक उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट हमने अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं रिगार्डिंग द स्कूल टाइम टेबल या कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, अगर हमने कुछ निर्देश देने हैं बच्चों को, तो वो सब कुछ ही मॉर्निंग असेंबली में ही किया जाता है। इससे हम बच्चों को अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, थोड़ा उनको नॉलेज मिलता है। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स मॉर्निंग असेंबली में बुलवा सकते हैं, से करंट अफेयर्स बच्चों को नॉलेज मिलती है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में तो लिमिटेड नॉलेज होती है, तो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, नया कोई नई चीज़ क्या हुई है, वो हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ओवरऑल मॉर्निंग असेंबली का एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है बच्चों पर, बच्चे खुश रहते हैं और इंटायर स्कूल एनवायरमेंट जो है उसमें पॉजिटिविटी भर जाती है। तो हमने पढ़ा मॉर्निंग असेंबली क्या होती है,
नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या हैं और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग असेंबली. आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस अनदर सोशल एक्टिविटी दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम NSS, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना. NSS भारतीय सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना है. इट वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 सितंबर 1969. महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में ही इसकी शुरुआत की गई थी. NSS में बच्चों को सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य करना सिखाया जाता है. उनको सिखाया जाता है कम्युनिटी सर्विस, की उनको अपनी कम्युनिटी को सर्व कैसे करना है और सामुदायिक सेवा कैसे देनी है, उसके अनुभव प्रदान किए जाते हैं. NSS brings education institution closer to the society. एक लिंक बन जाता है NSS सोसाइटी और एजुकेशनल institutions के बीच में. मेन पर्पस तो यही रहता है कि बच्चों में एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन डेवलप हो जाए, ताकि वो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें थ्रू सोशल वर्क. NSS बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल एक्टिविटी है जो कॉलेजेस में पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि ये बच्चों में इनकलकेट कर देती है स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, सेल्फ सेक्रीफाइस, एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग, डिग्निटी ऑफ लेबर. स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लीडरशिप में, ताकि वो नेतृत्व कर सकें किसी भी कहीं पर भी जहां उनकी ज़रूरत हो. इससे वो अच्छे सिटीजन्स बनते हैं और उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होती है. अब बात करते हैं NSS सिंबल की. ये सिंबल बेस्ड है ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल के रथ के चक्र पर. द जॉइंट व्हील पोर्ट्रेज द साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड रिलीज. इट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज. जो हमारी ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है, उसमें आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू हैं, वो चलती जा रही हैं, और उसके बावजूद बहुत सारी सोशल चेंजेस भी आई हैं. तो ये चेंज और कंटिन्यूटी दोनों को डिपिक्ट करता है. हर एक व्हील में 8 बार्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स अ डे. सो ए वॉलंटियर हैज़ टू रेंडर हिज आर हर सर्विस 24 आवर्स. जो भी NSS रखता है, जो भी NSS का वॉलंटियर है, उसको अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार रहना पड़ता है 24 आवर्स. रेड कलर जो है बैज में, वो इंडिकेट करता है कि वॉलंटियर इज़ फुल ऑफ ब्लड. वो एंथुजियास्टिक है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और वो उसमें हाई स्पिरिट्स हैं. नेवी ब्लू कलर है, वो ये डिपिक्ट करता है कि NSS एक टाइनी पार्ट है यूनिवर्स का. वो हमेशा रेडी है टू कंट्रीब्यूट इट्स शेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड. द मोटो ऑफ NSS इज नॉट मी बट यू. ये दर्शाता है सेल्फलेस सर्विस, अपने आप को भूल जाना और सबके लिए काम करना. द एम्स ऑफ NSS आर डिवेलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू कम्युनिटी सर्विस. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी लाइक फिजिकल डिवेलपमेंट, कल्चरल डिवेलपमेंट, सोशल डिवेलपमेंट, मेंटल डिवेलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट, वोकेशनल डिवेलपमेंट, लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट, हर एक एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का डिवेलप करवाना है, बट वो करवाना है थ्रू कम्युनिटी सर्विस. डिवेलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को जागरूक करना और उनमें कंसर्न डिवेलप करना वीकर सेक्शंस के लिए और जो डोंट रॉडन कम्युनिटीज हैं उनके लिए, और बच्चों को एंगेज करना इन क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव नेशनल वर्क, ताकि वो कुछ ना कुछ रचनात्मक करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें. तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं NSS में. कोई विलेज या स्लम एरिया अडॉप्ट कर लिया जाता है फॉर डूइंग कम्युनिटी सर्विस, और वहाँ पर डे कैंप्स भी लगाए जाते हैं. और एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मेडिकल चेकअप करवाना विलेजर्स का विद द असिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल्स, विलेजर्स को एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना और विलेजर्स को असिस्ट करना कुछ फैसिलिटीज़ अवेल करने में, जैसे वहाँ पर स्कूल्स हैं या पोस्ट ऑफिस है, डिस्पेंसरी है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है. तो वॉलंटियर्स लोगों को अवेयर करते हैं कि वो ये फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएँ. वॉलंटियर्स जो NSS वॉलंटियर्स होते हैं, वो विलेजर्स को हेल्प करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है और साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना है. अगर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है ड्रेन्स की, तो उसमें हेल्प करते हैं. अगर कच्चा रोड बन रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ उसमें हेल्प करते हैं. रिपेयरिंग हो रही है अगर स्ट्रीट्स की या रोड्स की या बिल्डिंग्स की, उसमें हेल्प करते हैं. अगर किसी स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उसमें हेल्प करते हैं. वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगर ग्राउंड्स बन रहे हैं. फिर अरेंज करवाते हैं गेम्स बिटवीन द विलेजर्स एंड द वॉलंटियर्स.
तो ट्रीज प्लांट करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो NSS वॉलंटियर्स करते हैं। तो आखिर में हम NSS की एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। NSS से वॉलंटियर्स को या स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब वो इंटर कॉलेजिएट या इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर स्टेट कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक्स प्लेस, जैसे जिससे कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। NSS वॉलंटियर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं एज फ्यूचर लीडर्स, और उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। एक दूसरे को जानते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपना स्पेयर टाइम वो यूज़ कर सकते हैं इन द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डाउनट्रोडन पीपल। हैंस स्टूडेंट्स लर्न टू सर्व फॉर द नेशन बिल्डिंग थ्रू सेल्फलेस सर्विस फॉर अदर्स। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ NSS, इसका सिंबल किस पे बेस्ड है, उद्देश्य क्या है NSS के, कौन कौन से प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज होती हैं NSS के अंडर, और एडवांटेजेस क्या हैं NSS के। आई होप आपको ये समझ आया होगा।